स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द क्लास इंग्लिश। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर चैप्टर नंबर 3 दैट इज द सेल्फिश जायंट एंड दिस चैप्टर इज टेकन फ्रॉम योर क्लास 8 एनसीईआरटी इट सो हैपेंड बुक। क्लियर? सो स्टूडेंट्स हरी अप ओपन योर बुक्स। इट सो हैपेंड चैप्टर नंबर 3 द सेल्फिश जायंट पेज नंबर 1717। इसमें जो है हम सेल्फिश यानी कि जो बहुत ही ज्यादा स्वार्थी होता है उसे सिर्फ अपना मतलब दिखता है उस जायंट के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर? एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रन यूज्ड टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन। एवरी आफ्टरनून जब बच्चे स्कूल से आ रहे होते थे तो बच्चे क्या करते थे, जायंट्स के गार्डन में जाते थे और खेलते थे। इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। और जायंट का जो गार्डन था वो बहुत ही बड़ा था, बहुत ही ब्यूटीफुल था, लवली था। क्लियर? और उसमें क्या थी, सॉफ्ट ग्रीन कलर की ग्रास थी। क्लियर? हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज That in the spring time broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. तो अब होता क्या था कि वहां पर जो है grass के ऊपर बहुत ही beautiful से flowers होते थे like stars। जैसे stars हम देखते हैं ऊपर आसमान में कितने beautiful दिखाई देते हैं, same as grass के ऊपर जो है वो beautiful से flowers से जो कि stars की तरह दिखते थे। एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज, और वहां पर जो है 12 पीच ट्रीज थे जिन पर स्प्रिंग टाइम में तो पिंक कलर के फ्लावर्स निकल आते थे। क्लियर? और जो बिल्कुल मोतियों की तरह, पर्ल की तरह दिखते थे। एंड इन द ऑटम, और ऑटम के टाइम पर उनके ऊपर फ्रूट आ जाते थे। द बर्ड्स सेट ऑन द ट्रीज एंड sang सो स्वीटली दैट द चिल्ड्रन यूज्ड टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू देम। और बच्चे और जो बर्ड्स होती थी वो क्या करती थी, वो ट्रीज के ऊपर बैठ के बहुत ब्यूटीफुल से सॉन्ग गाती थी। ठीक है? और बच्चे जो खेल रहे होते थे वो अपना खेलना बंद करके बर्ड्स का सॉन्ग सुनते थे, उसकी जो स्वीट सी जो गाने की आवाज थी उसे सुनते थे। हाउ हैप्पी वी आर हियर दे क्राइड टू ईच अदर। जब भी वो गार्डन में होते थे तो वो आपस में बोलते थे कि हम यहाँ पर कितने ज्यादा खुश हैं। वन डे द जायंट केम बैक, ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ओक। तो एक बार क्या हुआ, जायंट जो है वो वापस आ गया और वो जो है अपने फ्रेंड को देखने के लिए आया था, द कॉर्निश ओग्र एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 इयर्स। कॉर्निश ओग का मतलब होता है अ जायंट ऑफ कॉर्नवॉल। ठीक है? अ जायंट ऑफ कॉर्नवॉल उसे बोला जाता है, कॉर्निश ओग्र। और कहां पे येगी, इन द यूके। तो वो जायंट जो है, सेल्फिश जो जायंट था जिसका गार्डन था, वो अपने फ्रेंड को विजिट करने के लिए आया जो उसके साथ जो है 7 सालों तक रहा था। When he arrived, he saw the children playing in the garden. अब जैसे वो पहुंचा उसने देखा कि उसके गार्डन में जो है बच्चे खेल रहे हैं। What are you doing here? He cried in a very gruff voice. And the children ran away. ग्रफ का मतलब होता है बिल्कुल रफली सी वॉइस में वो बोला कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। तो बच्चे जो है उसकी आवाज सुन करके भाग गए। माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन सेड द जायंट। अब जायंट ने कहा कि ये मेरा गार्डन है, ये सिर्फ मेरा गार्डन है। एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट एंड आई विल अलाउ नोबडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ। और मैं किसी को भी इस गार्डन में अलाउ नहीं करूंगा कि वो आए और खेले, सिर्फ मैं ही हूँ जो इस गार्डन में जो कुछ मर्जी करूं मैं ही खेलूंगा। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल अराउंड इट एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड। तो उसने क्या करा, उसके चारों तरफ जो है ऊंची ऊंची सी दीवारें खड़ी कर दी और एक नोटिस बोर्ड लगा दिया। Trespassers will be prosecuted. Trespassers का मतलब होता है those who enter somebody's land without his or her permission. कि मेरी परमिशन के बिना अगर किसी ने भी इस जो मेरा गार्डन है इसमें घुसने की
कोशिश करी या झांकने की कोशिश करी तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। प्रोस्क्यूटेड का मतलब होता है ट्राइड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बट यहाँ पर इसका मतलब है पनिशमेंट मिलेगी। क्लियर? ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट, और वो जो है बहुत ही सेल्फिश था, बहुत ही स्वार्थी जायंट था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ हेयर टू प्ले, दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन। अब बेचारे बच्चों के लिए कोई भी जगह नहीं बची खेलने के लिए। क्लियर? फिर उन्होंने ट्राई करा कहाँ पर, रोड पर खेलने के लिए, बट जो रोड थी वो कैसी थी, वो बहुत ही डस्टी थी, ठीक है, मिट्टी वाली थी, और क्या थी, और फुल ऑफ हार्ड स्टोन, वहां पर जो है हार्ड मतलब पत्थर रखे हुए थे। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और ये सब चीजें बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। दे यूज्ड टू वंडर राउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन्स वर ओवर एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड। तो अब बच्चे क्या करते थे, अब बच्चे जो है उस जो हाई वॉल जो जाइंट ने बिल्ड कर दी थी अपने गार्डन के चारों तरफ, उसके चारों तरफ घूमते थे, ठीक है। जब भी उनका वर्क खत्म हो जाता था स्कूल से आने के बाद, वो जो है उस वॉल के चारों तरफ घूमते थे और आपस में बातें करते थे कि हाउ हैप्पी वी वर देयर, कि हम यहाँ पर कितने खुश थे। दे सेड टू ईच अदर, ऐसा वो एक दूसरे से बोलते थे। Then the spring came and all over the country there were little blossoms and little birds. फिर हुआ क्या, फिर स्प्रिंग का मौसम आया, ठीक है, तो पूरी कंट्री में जो है सारे छोटे छोटे से बर्ड्स जो ट्रीज वगैरह पर गार्डन्स में छोटे छोटे से बर्ड्स आने लगे, फूल आने लग गए। Only in the garden of the selfish giant it was still winter. केवल जो सेल्फिश जायंट था उसके गार्डन में अभी भी विंटर थी, बाकी जितने भी गार्डन थे ट्रीज थे सब में जो है स्प्रिंग आ चुका था, ठीक है। मीन्स वहां पर जो है नए नए से क्या बर्ड्स भी आने लग गए थे वहां पर, और नए नए से फूल भी आने लग गए थे। बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन, अब बर्ड्स जो है वहां पर गाना नहीं गाते थे सेल्फिश जायंट के गार्डन में, क्योंकि वहां पर अब कोई भी बच्चे नहीं थे। एंड द ट्रीज फॉरगेट टू ब्लॉसम, और ट्रीज भी कहीं भूल ही गए थे कि हमें भी यहाँ पर आकर के फूल खिलने हैं। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, एक बार क्या हुआ, एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर ने ग्रास में से जो है अपना ऐसे निकला, अपना ऐसे हेड निकाला। बट वेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन दैट इट स्लिप्ड बैक इन टू द ग्राउंड अगेन एंड वेंट ऑफ टू स्लीप। जैसे ही उसके ग्रास में से फ्लावर निकला, उसने क्या देखा कि नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, उस नोटिस बोर्ड को पढ़ करके उस फ्लावर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा बच्चों के लिए, उसको बहुत ही दुख हुआ और वो वापिस का वापिस अंदर चला गया और सो गया, ठीक है। कहने का मतलब है वहीं का वहीं वेंट ऑफ हो गया। एंड ओनली द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट, केवल वहां पर दो ही चीजें थी जो बहुत ही ज्यादा खुश थी, कौन, स्नो यानी कि बर्फ, फ्रॉस्ट यानी कि ओस, यही दो चीजें थी सेल्फिश जायंट के गार्डन में। क्यों? क्योंकि वहां तो अभी भी क्या थी, सर्दी थी ना, विंटर का मौसम था, बाकी सारी जगह स्प्रिंग आ चुका था। स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन, लगता है कि स्प्रिंग जो है इस गार्डन को भूल ही गया था। दे क्राइड सो वी विल लीव हियर ऑल द ईयर राउंड, तो अब वो जो है वो चिल्ला रहे थे, कौन चिल्ला रहे थे, स्नो और फ्रॉस्ट, की मजा आ गया, स्प्रिंग तो इस गार्डन को भूल ही गया, अब हम जो है पूरे साल यहीं पर रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट व्हाइट क्लॉक एंड द फ्रॉस्ट पेंटिंग ऑल द ट्रीज सिल्वर, और वो जो स्नो थी उसने सेल्फिश जायंट के गार्डन की जो ग्रास थी उसको ऐसे कवर कर दिया था जैसे एक व्हाइट चादर ऊपर ढक दियो ग्रास के ऊपर, और जो फ्रॉस्ट थी वो जो है ट्रीज के ऊपर ऐसे लग रही थी जैसे कोई सिल्वरी सिल्वर कलर की ट्रीज हो। देन दे इनवाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम एंड ही केम, फिर फ्रॉस्ट और जो स्नो थी उन्होंने किसको इनवाइट किया, नॉर्थ विंड को इनवाइट किया कि तुम भी आओ हमारे साथ रहो, और नॉर्थ विंड आ भी गई।
ही वॉज रैप्ड इन फर्स एंड ही रोल्ड ऑल डे अबाउट द गार्डन एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन। अब वो जो है पूरा जो है फर्स फर में रैप हो गए, ठीक है, और वो जो है आवाज आवाजें लगाते थे, पूरा दिन चिल्लाते थे गार्डन में। कौन? ये तो नॉर्थ विंड आ गई थी, वो पूरा दिन गार्डन में घूमती थी। अब विंड की आवाज जैसे रोर वाली साउंड होती है ना वैसे। एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन, और जो नॉर्थ विंड आई थी उसने क्या करा था, जो चिमनी पॉट से जो लालटेन वगैरह थे उन सबको बुझा दिया था। दिस इज अ ब्यूटिफुल स्पॉट ही सैड, वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट। तो अब उसने कहा कि अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छी सी जगह है, हम एक काम करते हैं हेल को बुलाते हैं, भाई हेल भी यहाँ पर आके एक बार विजिट तो करके देखे। हेल क्या होता है? हेल मीन्स होता है ओले। ओके सो द हेल के, फिर उन्होंने हेल को बुलाया, हेल भी आ गया उस सेल्फिश जायंट के गार्डन में। क्लियर? एवरी डे फॉर 3 आवर्स ही रेटल ऑन द रूफ ऑफ द कैसल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स। तो अब क्या हुआ, रोज 3 घंटे मजे से हेल आता, मतलब उसके गार्डन में ओले बरसते, और ओले बरसने की वजह से क्या हुआ था, जो ऊपर की जो रूफ थी, रूफ की जो टाइल्स थी वो सब टूट चुकी थी। एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो, और वो जो है इतनी जोर से मजे से राउंड राउंड घूमता जितना तेजी से वो घूम सकता था। He was dressed in grey and his breath like was like ice. और वो जो ऐसे लगता था जैसे बिल्कुल ग्रे कलर के कपड़ों में ड्रेसअप है, ठीक है, और उसकी जो ब्रेथ है वो किसकी है, आइस की है। आपने देखा होगा ओले कैसे होते हैं, ओले होते हैं बिल्कुल व्हाइट कलर के गोल गोल आइस क्यूब्स की तरह। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, सैड द सेल्फिश जायंट। अब सेल्फिश जायंट कह रहा है अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि स्प्रिंग मेरे गार्डन में आने में इतना टाइम क्यों ले रहा है, क्यों वो इतनी लेट कर रहा है। एज ही सेट एट द विंडो एंड लुक्ड आउट एट हिज स्नोई व्हाइट गार्डन, वो जो है विंडो में बैठा था और विंडो में बैठ के अपने जो कोल्ड ठंडा व्हाइट कलर का गार्डन था उसे देख करके ये बात बोल रहा था। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर, तो वो ऐसी होप कर रहा था कि मैं ऐसी होप करता हूँ कि इस वेदर में भी चेंज आएगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम नोर द समर, बट ना तो स्प्रिंग कभी आया और ना ही समर आई। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन बट टू द जायंट्स गार्डन शी गेव नन, और अब ऑटम ने जो है एवरी सबके गार्डन में जो है गोल्डन कलर के फ्रूट्स दे दिए थे, बट जो सेल्फिश जायंट था उसके गार्डन में कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं दिया था, कोई फ्रूट वगैरह नहीं आए थे ट्रीज पर। ही इज टू सेल्फिश, वो शी सैड, उसने कहा कि वो तो बहुत ही, ऑटम ने कहा कि ये तो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है, बहुत ज्यादा स्वार्थी है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रोस्ट एंड द स्नो डांस अबाउट थ्रू द ट्रीज, उसने कहा कि इसलिए यहाँ पर जो है हमेशा विंटर ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो है नॉर्थ विंड भी है, हेल भी है, मतलब ओले फ्रोस्ट ओस भी है, स्नो भी है, बर्फ भी है, जो वो जो ट्रीज के चारों तरफ मजे से डांस कर रही हैं। वन मॉर्निंग द जायंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, एक बार सुबह की बात है कि जो जो जायंट था, जो सेल्फिश जायंट था, वो अपने बेड में लेटा हुआ था और उसको जो है बहुत ही लवली सा ब्यूटीफुल सा म्यूजिक सुनाई दिया। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाय, और वो जो था उसके कानों को बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही स्वीट लग रहा था, ठीक है, और ऐसे लग रहा था जैसे किंग के म्यूजिशियन जो है वो पास से गुजर रहे हो, इतना अच्छा वो जो म्यूजिक उसके कानों में सुनाई दे रहा था। किसे? सेल्फिश जायंट को। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लीनिंग सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन दैट इट सीम्ड टू हिम टू बी द ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड। लीनेट होता है ब्राउनिश सॉन्ग बर्ड फाउंड इन यूरोप, ठीक है, वो
यूरोप में जो ब्राउनिश कलर की जो बर्ड होती है वो गाती है, ठीक है, ब्राउनिश सॉन्ग बर्ड, ओके। तो वहां पर जो है कोई किंग के म्यूजिशियन पास नहीं हो रहे थे, वहां पर कौन थी, वहां पर एक छोटी सी बर्ड थी जो विंडो के बाहर गाना गा रही थी, ठीक है। और काफी टाइम हो गया था, सेल्फिश जायंट ने कभी भी इतना बर्ड के गाना गाने की आवाज अपने गार्डन में नहीं सुनी थी, और ऐसे लग रहा था कि जैसे वो जो म्यूजिक है वो वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक है। Then the hail stopped dancing over his head. तभी अचानक क्या हुआ, उसकी लीगल जो लीनिंग था, ठीक है, उसकी आवाज सुन करके जो हेल था, हेल ने जो है वहां पर डांस करना बंद कर दिया। And the north wind ceased roaring, और north wind जो रोर करती रहती थी, घूमती रहती थी, उसने भी आवाज करना बंद कर दिया। And a delicious perfume came to him through the open casement. Casement होता है window that opens on hinges like a door. फिर क्या हुआ, फिर एक बहुत ही beautiful सी सुगंध, आप बोल सकते हो perfume जो है बिल्कुल window से जो है अंदर की तरफ आई। I believe the spring has come at last, said the giant, and he jumped out of bed and looked out. फिर अब वो जो है जाइंट ने बोला कि मुझे बिलीव था, मुझे विश्वास था कि स्प्रिंग जो है वो आएगा। फिर वो जो है अपने बेड से, जैसे वो बेड में लेटा हुआ था, बेड से नीचे उतरा, उसने जंप करी, और जंप करके उसने कहां देखा, बाहर की तरफ वो देखने लग गया। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी फर्स्ट पार्ट, क्लियर द सेल्फिश जाइंट स्टोरी। आई होप आप सबको इतना अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा और क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, रिमेनिंग चैप्टर वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।